तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एचपी कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। तो शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि क्या क्या फैसले लिए गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके हमारा मनमल जरूर बढ़ाएं। तो यहाँ पे कैबिनेट, हिमाचल में ड्रोन पॉलिसी 2022 को मंजूरी, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद। तो पहली जो हेडलाइन है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में जो है ड्रोन पॉलिसी को जो है मंजूरी मिल चुकी है 2022 में। तो जो विभिन्न विभाग है इसमें पद भरे जाएंगे। तो इसमें जो विभाग रहने वाले हैं हमारे, आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस किस विभाग में कितने कितने पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पे अब बैठक में प्रदेश के अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग, तो उद्योग विभाग में जो है यहाँ पे खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पद भरे जाएंगे। तो उद्योग विभाग में लगभग टोटल पद मिला के 60 पद जो है जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। और बाकी रहे यहाँ पे अन्य अपडेट, तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ पाठशालाओं में पद निकलेंगे 20-25 पद। तो यहाँ पे और पद निकलने वाले लगभग 129 पद, जो कि हमारे अग्निशामक चौकियों में निकलने वाले हैं लगभग 129 के करीब पद। तो बाकी जो छोटे मोटे पद है ये आप सभी के सामने शो हो रहे होंगे। अगर किसी को जो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के रूप में यह जानकारी चाहिए, तो आप सभी नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं अपने कमेंट बॉक्स में नीचे बता दूंगा। बाकी जो हमारा मेनली फोकस था आज, आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन देना था कि हिमाचल प्रदेश में जो है ड्रोन पॉलिसी को जो है मंजूरी मिल चुकी है। बाकी जो आपके उद्योग विभाग में लगभग 60 के करीब पद आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आप सभी को सूचना पहुंचाना था। तो अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को इसी चैनल के थ्रू सबसे पहले मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।